बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान व हदीस और दीन की सरबुलंदी के लिए हासिल की गई ये सरजमीन पाकिस्तान के आखिरी शहर एक लंबे चौड़े चौलस्तानी सहरा पर मुश्तमिल और बेशुमार तारीखी कलों की सरजमीन फोरट आबास, जिसका एक मशहूर कला फोलट की वजह से फोरट आबास रखा गया। ये पाकिस्तान की सरजमीन का वो हिस्सा है जहाँ बेशुमार आबादी दही इलाकों पर मुश्तमिल है और ये एरिया बिल्कुल बॉर्डर के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से इस सहराई इलाके में आज एक बहुत ही काबिले कदर हस्ती, दीनी और दुनियावी इल्मी ख़जानों से ममार हस्ती, उस्तादा निगत हाशमी साहिबा के कदम मुबारक से ये सरजमीन रब ताला और कुरान के नूर से जगमगा उठेगी। बरसों पहले देखा हुआ ख्वाब और सच्चाई का ये सच्चा सफ़र, ख़ास और मुकद्दस मिशन, कौन जाने कि पाकिस्तान के एक बहुत ही दूरदराज गांव से उठने वाली कुरान की ये किरण और कुरान की ये कॉम्पल बिनातुल हुस्ना अल तौहीद एजुकेशन फाउंडेशन में चेंज होकर पूरी दुनिया के लोगों के दिलों को और कुरान से जोड़ने का ज़रिया बन जाएगी। बिनातुल हुस्ना अल तौहीद एजुकेशन वेलफेयर फाउंडेशन, जिसका ख़ास और पाक मिशन आए कुरान सीखें जो हमेशा ज़िंदा रहेगा, और ये मिशन बेशुमार ख़ानदानों और दिलों की ज़िंदगियों को बदलने में दिन रात सरगर्म अमल है। मैं अपने रब ताला की शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने बरसों पहले इस ख्वाब को पूरा करने में मेरा एक लम्हा भी साथ न छोड़ा, और रब ताला की रहमत और उसकी तौफीक से अंदरूने और बिरौने मुल्क से मुखय्यर घरानों और बेशुमार फैमिलियों ने इस मिशन को मुकम्मल करने में अज़म किया। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना। आइए रब के लिए रब ताला के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के लिए, कुरान और दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इस किए हुए वादे को पूरा करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन जज़ा दे इस चीज़ की, जो आपने सब्र किया, जो आपने तहम्मुल का मुजाहिरा किया, इतनी देर से यहाँ पर बैठे हमारा इंतज़ार किया इंतज़ामिया के आगाज़ करने का। अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन जज़ा दे, आमीन। ठीक है, चलें जी, अब हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं यहाँ पर बिनातुल हुस्ना अल तौहीद इंटरनेशनल की इवेंट होस्ट के तौर पर आप सबको इस अज़ीम महलही वसल्लम के लिए हमने ये तकरीब मुकर्रर की है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे इदारे बिनातुल हुस्ना इंटरनेशनल जो है अल तौहीद के हमने इफ्तिताह करना है फोर्ट आबास के शहर में, यहाँ पर ऑन साइट क्लासेस के लिए हम इसका आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस पुरवकार तकरीब का एहतराम मुकर्रर रखेंगे, बेहतरीन डिसिप्लिन का जो है वो मुजाहिरा करेंगे, हर किस्म के मामलात में किसी भी मुल्क भी होगा, एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी होगी, दिलों में वसत भी होगी, और जब दिलों में वसत हो तब कहीं जगह कम नहीं रहती। ठीक, तो आपने एक दूसरे के लिए आसानियाँ करनी है। ये महफिल, ये तकरीब
रहमतों से भरी है, इसको बाइसे रहमत बनाए। इंशाल्लाह हम बाकायदा इस तकरीब का आगाज करेंगे। आज का हमारा जो तकरीब है सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो हमारे मेहमान खसूसी है मुअल्लिमा मुफस्सिरा उस्तादा निगत हाशमी की शमूलियत के साथ होगा इंशाल्लाह, जो कि कुछ ही अरसे में हमारे साथ होंगी, यहीं पर मौजूद होंगी और वो भी इस तकरीब में अपना जो है हिस्सा डालेंगी। स्टेज पर आकर अपने खूबसूरत अल्फाज के साथ आप सबके इल्म में इजाफा करेंगी। हमारी अल्लाह ताला से मोहब्बत, बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप जो भी इसमें इजाफा होगा, इसको मजबूती के लेवल तक लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम अपने इस तकरीब का बाकायदगी से आगाज़ करते हैं कुरान की तिलावत। कुरान की तिलावत के लिए बुलाना चाहूँगी बिनातुल हुस्ना की मेन स्टाफ मेंबर हैं सिस्टर मदीना खुर्शीद, जो कि कुरान की खूबसूरत आयात की तिलावत करेंगी। औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह
قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا, ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. الحمدللہ ماشاءاللہ سارا زمانہ بدل جائے, اس قرآن کے حروف الفاظ مطلب کچھ بھی نہیں بدل سکتا کوئی بھی. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے یہ قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, ہے کوئی اس کو بدلنے والا, ہے کوئی خیر پھیر کرنے والا, یہاں پر عدل بدل کرنے والا؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے ہمارے دلوں میں ہدایت اتاریں اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی نعمتوں اور کامیابیوں کو سمیٹ سکیں. آمین یا رب العالمین. وہ جان و حیات کون و مکا, وہ روح و نجات انسانی, وہ جس کی بلندی کے آگے افلاک ہوئے پانی پانی, وہ جان و حیات کون و مکا, وہ روح نجات و انسانی, وہ جس کی بلندی کے آگے افلاک ہوئے پانی پانی, ان سے ہی مجھے نسبت ہے مگر, ان سے ہی مجھے نسبت ہے مگر کب ان کی حقیقت پہچانی. الحمدللہ میں تلاوت قرآن کے بعد اب ہمارے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ایک بہت ہی پر مسرت اور پرسکون پرسوز ناچ کو پیش کرنے کے لیے ونات الحسنہ انٹرنیشنل التوحید کی اسٹاف ممبر سسٹر ماریا منیر کو دعوت دیتی ہوں اسٹیج پر کہ وہ اس خوبصورت تلاوت کا آغاز کریں تاکہ ہمارے دلوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اس کا جذبہ ابھار سکے. عظیم تر ہے میرا پیمبر, عظیم تر ہے کمال خلاق ذات اس کی, جمال ہستی حیات اس کی, بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر, عظیم تر ہے وہ شرح احکام حق تعالی, نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی, وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے میرا پیمبر, عظیم تر ہے شعور کا نصاب لایا, دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا, وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی, وہ ہر زمانے
राहबर है, मेरा पयंबर अजीम तर है। बस एक मशकीदा एक चटाई, जरा से जो एक चार पाई, बदन पे कपड़े भी वाजबी से, ना हुश लिबासी ना हुश कबाई, यही है कुल कायनात जिसकी गिनी न जाए सिफात, जिसकी वही तो सुल्तान बहरो बर है, मेरा पयंबर अजीम तर है। कमाल खल्लाक जात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसकी, बशर नहीं अजमत बशर है, मेरा पयंबर अजीम तर है। के हाथ में थाम कर हमारे लिए भेजा, हमारे लिए सब कुछ उसके कंधों पे डाला, कि अपनी उम्मत की रहनुमाई के लिए जाओ। क्या हमने उससे रहनुमाई हासिल की? क्या हमने अपने उस्ताद का इख्तराम किया, उससे तालीम मुकम्मल ली? फिर हमें क्या कहा कि उम्मत का भी काम वही है जो नबी के बाद उसकी उम्मत का जो नबी करते हैं? क्या हमने अपने उस्ताद, अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम का मिशन अपने हाथ में लिया? क्या उसको आगे लेकर गए? इंशाल्लाह आज का ये प्रोग्राम, आज की ये तकरीब इसी हवाले से हमारी तालीम, हमारी रहनुमाई, हदायत में रोशनी डालेगी इंशाल्लाह ताला। ये बिनातुल हुस्ना का इदारा, मैं चाहती हूँ कि इस इदारे के बारे में आप सब जानें। ये जो फोटा आवास में इसकी पहली ऑन साइट ब्रांच जो है वो आज उसका इफ्तिताह होगा। ऑनलाइन तो ये बहुत देर से काम कर रही हैं, जिसके हमारे पास बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसे कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल की और उसे रहनुमाई हासिल की, ताकि वो दुनिया और आखरत में उस पर अमल करें, अपनी दुनिया और आखरत दोनों में कामयाबी हासिल करें, दोनों में सुरखरूही हासिल करें। तो मैं ज़रूर चाहूँगी आज जब सबके सामने इस स्टेज पे अपने इस इदारे बिनातुल हुस्ना अल तौहीद इंटरनेशनल के कुछ चंद ऑन साइट और ऑनलाइन दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स आएँ, मैं बुलाऊँ और वो अपनी फीलिंग्स शेयर करें, वो आपसे अपने कुरान का सफ़र शेयर करें, अपना जर्नी शेयर करें कि वो कैसे आगाज़ उनके कुरान का इस इदारे से हुआ, अल्लाह ताला से जुड़े वो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का आगाज़ हुआ और फिर अमल की तरफ गए वो, कैसे ज़िंदगी बदली और फिर उनसे ज़िंदगियाँ बदली। जब एक ज़िंदगी बदलती है फिर उससे ज़िंदगियाँ बदलती हैं। तो मैं ज़रूर दावत देना चाहूँगी अपने बिनातुल हुस्ना अल तौहीद इंटरनेशनल की ऑनलाइन क्लास की स्टूडेंट, ये ऑनलाइन क्लास जो है वो लेती हैं, और यहाँ पर इनका नाम है इकरा असगर, मैं आपको बुलाना चाहूँगी स्टेज पर, आप आएँ। मैं तालिबे इल्म हूँ और मैं आईयूबी इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भागलपुर से बीएस इंग्लिश की तालीम भी हासिल साथ साथ कर रही हूँ। मेरा 6th सेमेस्टर है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं वहाँ स्टडी करते करते साथ मैंने ये ज्वाइन किया था। मुझे पहले इस प्लेटफॉर्म के बारे में कोई आगाही वगैरह नहीं थी, लेकिन जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत बेहद खुशी हुई कि ये मुझे मौका मिला यहाँ पर आने का। कि आज इस मौका पर सबसे ज़्यादा मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेशक अल्लाह ताला ही है जो इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लेकर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे भी इस रोशनी के सफ़र के लिए मुंतखब किया। मेरा ये जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, सबसे ज़्यादा मुझे जो मोटिवेशंस मिली थी, मैं जब अब इस्लामिया यूनिवर्सिटी में गई तो मेरी रूममेट थी, मुझे मिली, उन्होंने माशाल्लाह से 2 साल का दरासात का कोर्स मुकम्मल कर लिया था। तो कहते हैं ना कि आप पे कंपनी का बहुत असर पड़ता है,
तो मुझे उनसे बहुत मोटिवेशंस मिली उसके बाद, लेकिन मुझे कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म का पता नहीं था, तो इस वजह से मैं मतलब एक दफ़ा तो खामोश हो गई, लेकिन दिल में बहुत ये शौक और जज्बा था। फिर उसके बाद मेरी अपनी सिस्टर से बात हुई तो उन्होंने मुझे उस्तादा शबीना के बारे में बताया, क्योंकि वो उनकी क्लास फेलो थी, तो मुझे इस तरह से उस्तादा शबीना से मिलने का मौका मिला। और बसाते खुद फिर उन्होंने मुझे बताया कि माशाल्लाह से फोड़ाबास में भी ऑनलाइन सेशंस का आगाज़ हो रहा, तो मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई, मुझे ये मौका मिला कि मैं ऑनलाइन सेशन भी ज्वाइन करके मतलब यूनिवर्सिटी के साथ मैं ये भी जारी रख सकती हूँ। तो इस तरह मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ। आज माशाल्लाह से मुझे 6 मंथ हो गए हैं और मुझे इन 6 माह में बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ मैं बता नहीं सकती, इतना कम वक्त, इतने कम वक्त में इतना कुछ सीखने को मिला है कि मुझे हमें प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं जिस, और इसके अलावा हमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें समझाई जाती हैं जो बंदे के दिल में उतर जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम अल्लाह ताला से बातें कर रहे हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो पहले पढ़ी हुई थी लेकिन उसके बारे में पता नहीं था, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मुनाफिक कभी हदायत नहीं पा सकता। हम समझते हैं कि मुनाफिक वो लोग होते हैं जो मुशरिक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मुनाफिक हम में ही हैं, क्योंकि हमें तो ये तालीम मिली हुई है। तो हम अल्लाह ताला की नेमतों का सीधा कुफर करते हैं अगर हम इस्लाम की तालीमात पर अमल नहीं करते। इसके अलावा सब्र और नमाज से जिस तरह के हम कहते हैं कि मदद हासिल होती है, लेकिन जब हमें सब्र का ही नहीं पता होगा, हमें नमाज का ही नहीं पता होगा, तो हम ये क्राइटेरिया जब पूरा नहीं करेंगे तो हम किस तरह से हमें अल्लाह की मदद मिल सकती है, फिर हम उससे मायूस हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले इस चीज़ को समझना चाहिए। तो मैं आप सब सिस्टर को ये इस चीज़ की दावत देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता कि हम टाइम मैनेज नहीं कर सकते। मेरा 6 सेमेस्टर है, मैं साथ में वो स्टडी भी कर रही हूँ और ये भी मेरा साथ साथ है, वहाँ मैं बहावलपुर से यहीं आती हूँ, फिज़िकल मेरी क्लासेस होती हैं। तो बल्कि ऐसा होता है कि पूरे दिन का स्ट्रेस जो 7 दिन 6 दिन का होता है, लास्ट जो हमारी ऑनलाइन सेशन की क्लास होती है ना, वो सारा का सारा आपका हेडेक उतर जाता है, इस तरह करके होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा मिनातुल हुस्ना की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें कुरान की तफसीर का ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, बहुत शुक्रिया। मैं इसका अल्लाह ताला बहुत अजर दे आपको। मैं अपनी बात के इख्तिताम पर अल्ताफ़ सन्हाली का एक शेर पढ़ना चाहूँगी कि फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। इंसान को फरिश्तों से बड़ा रुतबा दिया, तभी तो फरिश्तों से कहा था कि सजदा करें इंसान को। क्या आज हम अपने उस मुकाम पर मौजूद हैं? क्या हमने अपने उस मकाम और उस रुतबे की एहतराम किया, उसको संभाल के रखा, उसे मोहब्बत की जो अल्लाह ताला ने हमें दिया, और फरिश्तों को कहा कि इसके आगे सजदा करें? तो हम तो गिर गए उस मकाम से जब हमने अल्लाह की बात ना मानी, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानी। नहीं, मैं इसके अलावा भी बुलाना चाहूँगी अपने इस बिनातुल हुस्ना की एक और स्टूडेंट है हमारी आयशा को, जो कि आकर स्टेज पर अपना भी जर्नी शेयर करें चंद अल्फाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरे अल्लाह का करम है कि उसने आज मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कुरान का सफ़र बिनातुल हुस्ना से शुरू किया, और यकीन करें मैंने इस बात को महसूस किया है कि जब तक हम कुरान को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करते, हम जिंदा ही नहीं होते। कुरान तो वो है जो हमारी ज़िंदगियां बदल देता है। कुरान की फ़कत एक आयत हमारी ज़िंदगी बदल देती है, हमारी तमाम उलझनों को, परेशानियों को, मुश्किलात को अपने अंदर समेट कर हमें सुकून देता है यह कुरान। मैं जानती हूँ कुरान थामना आसान नहीं होता, लेकिन इस दिल को, इस नूर को दिल में उतारने के लिए हमें दिल को मानना पड़ता है, अपनी तमाम ख्वाहिशात का कत्ल करना होता है। लेकिन इस बात का यकीन करें, हम अल्लाह ताला की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, वो हमारी तरफ दौड़ के आएगा, वो हमारे अंदर इतना हौसला पैदा कर देगा कि हम अपनी ख्वाहिशात को मार के खुशी से आगे बढ़ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कुरान से बहुत कुछ सीखा है और कुरान ही हमारी ज़िंदगी होता है। मैं दिल से दुआगू हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। और इसी तरह मैं मज़ीद बुलाना चाहूँगी अपने इसी इदारे के एक और स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में हैं, मरियम को, ताकि वो आएँ और आकर अपना जर्नी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिलाशुबा आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो अपनी उस्ताजा जी की मेहनत और लगन की वजह से। मैं जिस मुकाम पर थी, शायद मुझे मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत बहुत कम थी,
लेकिन उस्तादा जी से मैं मिली तो उन्होंने हमारी क्लासेस जब ऑनलाइन हमारी हुई तो मैंने सिर्फ उनकी 2 क्लासेस अटेंड की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अल बकरा की आयत नंबर 17 से 20 तक हमने पढ़ा और जब उन्होंने प्रैक्टिकल करवाया सुमुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जियून तो उसमें ये बताया गया है कि गूंगे अंधे बहरों का बताया गया, लेकिन मैं ये समझती थी कि गूंगे बहरे अंधे सिर्फ वो हैं जिनको आँखों से नहीं नज़र आता, जो कानों से नहीं सुनते। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकल किया, तफसीर में गए, गहराई में गए, तो हमें ये पता चला कि गूंगे बहरे अंधे तो हम खुद हैं जो कुरान की तालीम से बहरे हुए हैं, जो कुरान के असल मानी को नहीं समझ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस्ताजा जी ने हमें सिखाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अहले कुरान कौन है? पूछा गया, अहले कुरान वो हैं जो कुरान सीखते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उनमें शामिल हुई। उस्ताजा जी से मिलना एक इत्तफाक था, जो इत्तफाक मेरे लिए बहसे कबूलियत भी और रहमत भी साबित हुआ, क्योंकि मैं कुरान की तफसीर से बहुत दूर थी, बहुत ज़्यादा दूर थी। इनफैक्ट मैं शरी पर्दा भी नहीं करती थी। तो उस्तादा जी से जब मिली, उन्होंने जिस तरह हमें मोटिवेट किया, हमारी जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं हम फीडबैक भी नहीं देती थी, हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम ऑनलाइन क्लासेस में भी फीडबैक दे सकें, लेकिन उन्होंने हमें मोटिवेट किया। मैं उस्तादा शबीना खुर्शीद की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कुरान से, अल्लाह से मोहब्बत की और अब तक अल्लाह ताला के साथ सफ़र जोड़े रखूँगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मैं एंड पे आप सब प्यारी बहनों को, माओं को, बेटियों को यही कहना चाहूँगी कि आप भी अहले कुरान में शामिल हो जाएँ, आप भी कुरान सीखें, तफसीर सीखें, मानी सीखें, उनके बेहतरीन मानी सीखें, उसमें क्या बताया गया है। हम कुरान वैसे तो पढ़ लेते हैं लेकिन हम उनके असल मानी से बेखबर हैं, हमें उनका नहीं पता कुरान हमें क्या कह रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप सब भी इस अहले कुरान वालों में शामिल हों। आखिर में उस्ताजा शबीना खुर्शीद की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से हम इस तालीम से बेखबर हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अब मैं एक सिस्टर को दावा दूँगी, सिस्टर शाजिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। पत्थर के मुकद्दर का फ़ैसला भी खुद खुदा करता है, पत्थर के मुकद्दर का फ़ैसला भी खुद खुदा करता है, किसे ठोकर पे रखना है, किसे अस्वत बनाना है। मेरी प्यारी बहनों, मैं फोटाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं तकरीबन 5-6 साल से बाजी शबीना के साथ अटैच हूँ, और मैंने कुरान पाक सीखा पहली बार दारुस्सलाम में, इन्होंने कदम रखा और उधर ही मुझे इस्लाह हुई मेरी, और मैं बहुत ही दिल से खुशी महसूस करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस कुरान पाक के साथ जोड़ दिया और कुरान की तालीम मेरे अंदर जैसे ही आती गई और मेरा दिल मजबूत होता गया। और अब सब बहनों से मेरी गुजारिश है कि आप भी आएँ, कुरान सीखें और अपनी बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को कुरान की दावत दें। वस्सलाम। इस वक्त सबसे पहले मैं एक और शख्सियत को बुलाना चाहूँगी, बिनातुल हुस्ना अल-तौहीद इंटरनेशनल की ऑन साइट ऑनलाइन डायरेक्टर मैनेजर, जो कि बहुत देर से इस इदारे से जुड़ी हैं, जिनके अंडर, जिनकी नज़रों से, जिनके हाथों से हर कोर्स, हर चीज़ मैनेज हो रही है, जो अपनी बेहतरीन प्लानिंग के साथ हर कोर्स को इंचार्ज करती हैं। मैं उनको दावत देना चाहूँगी कि वो आएँ स्टेज। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सब के लिए बेशुमार आसानियाँ करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फजलो करम से आज हम फोटाबास के इस शहर में बिनातुल हुस्ना की इफ्तिताही तकरीब करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को कुरान के लिए चुन लिया, इस ज़मीन वालों को कुरान के लिए चुन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिनातुल हुस्ना की ऑन साइट और ऑनलाइन मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे आप सबको इस तकरीब में खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपका आना कबूल करें, आपके कदम कदम पर आपको ढेरों नेकियाँ, ढेरों अजर अता करें, आमीन। मैं बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर
कोर्सेज के हवाले से कुछ आपके साथ ब्रीफ करूँगी इंशाल्लाह। जैसे कि सिस्टर जी ने आपको बताया कि इंशाल्लाह आपको कोर्स के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी, जो बिनातुल हुस्ना के अब तक ऑनलाइन कोर्सेज बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करूँगी, ताकि आपको आगे से इसमें एडमिशन लेने में और मज़ीद जो मालूमात है आपको मज़ीद आपको काउंटर पे मिल जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमारे इस वक्त चार मेन कोर्सेज चल रहे हैं बिनातुल हुस्ना के ऑनलाइन इदारे में, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से लोग मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रजिस्टर किया और बेहतरीन तरह से क्लासेस ले रहे हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस की सबसे जो बेहतरीन चीज़ ये है कि वो जूम पे यानी कि वन ऑन वन बेस पे उस्ताद जी के साथ होती हैं, यानी ऐसा नहीं होता कि आपको दे दिया जाए काम और आप कर लें। तो इंशाल्लाह हम कोर्सेज का थोड़ा सा देख लेते हैं कि चार कोर्सेज हैं हमारे, लैंग्वेज ऑफ कुरान यानी कुरान की ज़ुबान, लर्निंग ऑफ कुरान कुरान को सीखना, नाज़रतुल कुरान ख़वातीन के लिए नाज़रा बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा नाज़रतुल कुरान और हिफ्ज किड्स के लिए यानी बच्चों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये चार कोर्सेज इस वक्त हमारे ऑनलाइन इदारे में चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लर्निंग ऑफ कुरान हमारा पहला मेजर कोर्स है, पहला मेजर कोर्स, इसमें 3 साल की तफसीर है कुरान की तफसीर और 2 साल का हदीस कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त ये हमारा चल रहा है बेहतरीन तरह से, जिसमें क्लासेस तो ऑनलाइन हो ही रही हैं, बहुत आसान है उन ख़वातीन के लिए जो घर में हैं, जिनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, उन बच्चियों के लिए जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जो बाकायदा किसी इदारे को ज्वाइन नहीं कर पा रही, कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं, स्कूल की बच्चियाँ हैं। देखिए कुरान की तालीम तो हर किसी के लिए ना, ऐसा ही है ना, तो कोई क्यों महरूम रहे, सारे रास्ते बनाने चाहिए, हर तरह का रास्ता तैयार रखना चाहिए कि अगर हम इस कुरान को चले उस तरह वक्त नहीं दे पा रहे तो इस तरह दे दें। ठीक है, तो मेहनत करनी पड़ती है हर काम में, ऐसा ही है, कुछ मेहनत के बगैर तो मिलता नहीं। तो इंशाल्लाह इसमें आप लर्निंग ऑफ कुरान में कुरान की तफसीर और हदीस को बेहतरीन तरह से सीखेंगे इंशाल्लाह। ये 5 साल का टोटल कोर्स है और इसमें बहुत ज़्यादा बर्डनाइज नहीं किया जाता, बहुत बहुत लीनियंट वे में, बहुत सॉफ्ट वे में आपको करवाया जाता है। और इसकी बेहतरीन चीज़ यह है कि इसके जो प्रैक्टिकल नोट्स हैं वो वीकेंड पे, हर वीकेंड पे आपको करवाए जाते हैं वीक वाइज अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो कहते हैं कुरान दिलों को खोलता है, लेकिन इसके लिए कुरान को खोलना पड़ता है, राइट? कुरान दिल को खोलता है, लेकिन कुरान खोलेंगे तो दिल खुलेगा, वरना तो दिल बंद रहेगा। कुरान को आप सिर्फ अरेबिक टेक्स्ट को पढ़ के बंद कर दें, वो मैनुअल जो हमें भेजा गया है उसका पता ही नहीं चले हमें, तो दिल कैसे खुलेंगे? दिलों को तो तब पकड़ता है ना कुरान, जब कुरान समझ आ रहा हो। तो दूसरा हमारा जो मेन कोर्स है, मेजर कोर्स, वो है लैंग्वेज ऑफ कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह लैंग्वेज ऑफ कुरान हमारा लिसानुल कुरान जिसको बोलते हैं, कुरान की ज़ुबान अरबी, अरबी सीखने के लिए हमने ये कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन किया है। और इसकी खसूसियत ये है कि ये साल में एक बार लॉन्च होता है, ठीक है, और इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लासेस चल रही हैं बाकायदा जूम पे बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज से। लर्निंग ऑफ कुरान के हमारे पास माशाल्लाह से 70 स्टूडेंट्स हैं, 70 स्टूडेंट्स ऑनलाइन पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट बैच के। और लैंग्वेज ऑफ कुरान के भी हमारे तकरीबन 25-30 इतने स्टूडेंट्स ऑनलाइन रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, जो बिल्कुल पंक्चुअल हैं, ऑन टाइम हैं, रेगुलर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान की ज़बान तो क्या लगता है आपको, सीखनी चाहिए, ज़रूरी है? मुझे ऐसे लगता है कि हमारे जहन में है कि कुरान को शायद सिर्फ अरेबिक में पढ़ लें और सवाब तो होगा, बिल्कुल होगा, अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है नेकियों का, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, सीखें भी सही ना उसको, समझें कुरान कहता क्या है हमें, कुरान की ज़ुबान सीखें, कुरान से बातें करना सीखें हम, मुश्किलात के हल ऐसे ही तो नहीं मिल जाते, ऐसा ही है। तो अगर कुरान को सीखेंगे, उसकी ज़ुबान जान लेंगे, ग्रामर को थोड़ा सा सीख लेंगे, इतनी मुश्किल तो नहीं है। दुनिया में इतने हम काम करते हैं, डॉक्टरेट के लिए क्या क्या नहीं करते, करते हैं ना, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुरान को सीखने में हम इतने पीछे क्यों होते हैं, नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें, इसके ऑनलाइन भी फॉर्म्स मौजूद हैं आपके ऑन साइट, और जो सिस्टर्स ऑन साइट ले सकती हैं वो तो प्रेफर करेंगे ऑनलाइन ऑन साइट को लें। इदारे में आपको तो अल्लाह ताला ने चुन लिया है ना, आपको इस ज़मीन को तो अल्लाह ताला ने चुन लिया है कुरान के लिए, तो फिर इससे फ़ायदा उठाएँ, इसका बेहतरीन बेहतरीन फ़ायदा उठाएँ,
बहुत से लोग कोशिश कर रहे होते हैं हमें किसी तरह मिल जाए कोई इदारा, हम पढ़ना शुरू कर दें जाके, लेकिन यहाँ पे आपको मिल रहा है तो उसको ज़ाया नहीं होने देना इंशाल्लाह। तीसरा हमारा जो कोर्स है वो है नाज़रतुल कुरान ख़वातीन के लिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत हम बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं कुरान को, लेकिन उसका एक स्टाइल बन जाता है, गलत स्टाइल कहते हैं जिसको, जिसमें तजवीद को हम फॉलो नहीं कर रहे होते, हमें ज़ेर ज़बर और इस तरह की जो हरकात हैं या कवायद हैं कुरान की वो नहीं समझ आ रहे होते, या एक स्टाइल जो शुरू से हमने जिस तरह से पढ़ा होता है वैसे आदत हो जाती है, ऐसा ही है। तो इसको ठीक करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा ऑनलाइन जूम पे होता है, ऐसा नहीं होता कि आप उस लेसन दे दिया आप प्रैक्टिस करें सुना दें, ऐसा कहीं भी नहीं होता, आपको लाइव क्लास में उस्ताद जी के साथ प्रैक्टिस करवाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी हमारा जो है वो बेहतरीन तरह से चल रहा है हमारा ये कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद हमारे पास किड्स कोर्स है, किड्स कोर्स में हमारे पास मुंतखब सूरतें हैं जो हिफ्ज करवाई जा रही हैं ऑनलाइन इस वक्त, जिसको मैं बाय हैंड खुद मैनेज कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके अंदर कुछ चंद सूरतें हैं जो हम हिफ्ज करवा रहे हैं बच्चों को, शॉर्ट सूरत, छोटे बच्चों को शॉर्ट सूरत, और इसके साथ साथ उनके नाजरे पर फोकस किया जा रहा है और कुछ राइटिंग का भी, उनको कुरान राइटिंग भी सिखाई जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे चार कोर्सेज हैं जो हम कर रहे हैं इस वक्त ऑनलाइन, और इनमें से कुछ इंशाल्लाह ऑन साइट भी लॉन्च किए जाएंगे इंशाल्लाह, आज मज़ीद आपको इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो करना क्या है, सवाल पैदा होता है कि ये सब जानने के बाद करना क्या है, अब आप खुद से पूछें, अब आप खुद से सवाल करें कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, क्या चीज़ मुझे खींच लाई है यहाँ पर, कोई चीज़ होगी ना, आपने फ्लायर देखा, आपने देखा कि यहाँ एक तकरीब मुनक्कीद की जा रही है, कुछ तो होगा जो आपको खींच लाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक सवाल आपने खुद से पूछना है कि अब मैंने क्या करना है, क्या ये प्रोग्राम सुना और बस, मजबूरियाँ हालात सबके होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ख़ास लोगों को चुनता है, वो लोग जो अपने आप को दीन के लिए वक्फ़ करने के लिए तैयार होते हैं, वक्फ़ ना भी करें वक्त निकाल लें, सब चीज़ों के लिए वक्त निकालते हैं, एमरजेंसी में पता चलता है क्या हाल होता है, निकालते हैं वक्त, हर चीज़ के लिए वक्त निकल आता है, कुरान के लिए क्यों नहीं वक्त निकलता। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब आप इस सब कोर्सेज की डिटेल्स को जानने के बाद रेडी होंगे इस चीज़ के लिए कि हम ऑनलाइन या ऑन साइट कोर्सेज को ज़रूर ज़रूर ज्वाइन करेंगे, और अपने बच्चों को भी इस कुरान के साथ जोड़ दें इस उम्र में, इस उम्र में इस इन हालात में जब बहुत ज़्यादा जो है वो जो है हालात ख़राब होते जा रहे हैं, बच्चे दीन से दूर होते जा रहे हैं, तो उनको छोटी उम्र से ही बच्चों को अपने दीन से जोड़ें, अल्लाह ताला के कलाम से जोड़ें, ताकि मोहब्बतें दिल में बस जाएं उनकी इंशाल्लाह। तो इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाएँ कि हम इस कुरान के साथ जुड़ जाएँ, इस कुरान को थाम लें, इसे अपनी ज़िंदगी की बहार बना लें, ठीक है, वो कुरान सीखें जो हमेशा ज़िंदा रहेगा, वो जो दिलों में हमेशा ज़िंदा रहे, जो ज़िंदगियों को रोशन कर दे, आमीन। बारिकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। चला रहा है
नजर भी रखे जो मिले हया
استاذہ شبینہ خورشید۔ ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کریں اور مزید ہمارے علم میں اضافہ کریں، اپنے خوبصورت الفاظ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ استاذہ شبینہ خورشید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے رب تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ جس نے ایک بہت ہی دیرینہ خواب اور وہ واز، وہ باتیں، وہ نصیحتیں جو کسی دور میں ہم گیسٹوں میں سنا کرتے تھے، اور میرا استاذہ جی سے تعلق صرف کیسٹ والا تھا، کوئی ایسی کیسٹ، کوئی ایسا پمفلٹ، کوئی ایسا بکلٹ، الحمدللہ آج جتنا کچھ بھی یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں، میری تربیت میں یہ سارا کچھ استاذہ نگہت ہاشمی اور استاذہ فرد ہاشمی کی وجہ سے ہے۔ الحمدللہ جب بھی ہم کسی بڑے شہر میں دورۃ القرآن یا کوئی بڑی خواتین کی محفل اٹینڈ کرتے تو ایک حسرت بھری جو ہے دل کے اندر یہ مراد رہتی تھی کہ یہ روشنی، یہ گل فوٹ آباد ضلع بہاول نگر کے صحرا میں کیسے پہنچائیں۔ وہ بچیاں، وہ بہنیں جن کو قرآن کی ہم نے لو لگانی ہے، یقین جانیے اس کی خواب اور یہ سارا پروسیس چند مہینوں یا چند سالوں کا نہیں، 2013 سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے، اور میں اپنے رب تعالیٰ کی جتنے بھی شکر کروں اتنا ہی کم ہے۔ چند ایک باتوں کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ استاذہ جی کو سٹیج پہ بلانا چاہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے جس جگہ پہ یہ پروگرام ہے، یہ جگہ بناۃ الحسنی التوحید مدرسے کی ہی جگہ ہے، پروجیکٹ ابھی جاری و ساری ہے۔ اس جگہ کا آغاز ہم نے اللہ رب العزت کے گھر سے کیا، جو ابھی صرف اس کی بنیادوں پہ ہی کام جو ہے اسٹاپ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج استاذہ جی کی دعاؤں، ان کی برکتوں اور رب تعالیٰ کے رحمت بھرے لفظوں سے میں اپنے رب سے یہ امید کرتی ہوں کہ یہ یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی روشنیاں اور قرآن کے علم کی روشنیاں ضرور پھوٹیں گی۔ اور اس سے پہلے جتنا بھی اسٹڈی سسٹم تھا آن لائن تھا، جس میں 14 ادر کنٹریز بھی ہیں، اور میں شکر گزار ہوں ان فیملیز کا جو آؤٹ آف کنٹری رہتے ہوئے جنہوں نے بناۃ الحسنی التوحید کے ساتھ پوری پوری فیملیوں نے مل کے کوآپریشن کیا، فنڈنگ کی، اور ضلع بہاول نگر کی بچیوں کے لیے اور یہاں خاص کر تحصیل کی بچیوں کے لیے اس خواب کو پورا کرنے میں، مکمل کرنے میں میری معاونوں مددگار ہیں۔ تو آن لائن کلاسز تو الحمدللہ مختلف ڈپلوموں کے ساتھ چل رہی تھیں، اب جیسے ہی آن سائٹ کلاسز کا افتتاح کیا ہے، چونکہ یہ ایریا ایسا ایریا ہے، اس علاقے میں ہر بچی کے پاس واٹس ایپ نہیں ہے، ہر بچی کے پاس آئی فون نہیں ہے، اور شاید کہ 99% ایسے گھرانے ہیں جہاں پورے گھر کے اندر بھی موبائل نہیں ہے۔ آن لائن سہولت تو ہے، لیکن میرے علاقے کی بچیاں ابھی بھی اسے محروم تھیں۔ دن رات کی تگودو، کوششوں اور مسلسل محنتوں سے یہاں تک سلسلہ پہنچا، اور یقین جانیے یہ انتہائی تڑپ، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنے آنسو بھری دعائیں تھیں کہ فزیکل کلاسز کا افتتاح میں استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ سے کرواؤں۔ اور یہ میری اور میرے رب تعالیٰ کی باتیں ہیں، میں چاہتی تھی کہ جس سفر کو استاذہ جی کو سن کے ہم تیار ہوئے، ان سے سیکھا، ان سے تربیت حاصل کی، اور انہی کی زیر سایہ ہی ہم اس سفر کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، اس لیے استاذہ جی کا وزٹ، استاذہ جی کا یہاں کی آڈیو سے ملنا جتنی بھی ہو سکی ہے الحمدللہ کوشش پوری کی ہے۔ تو میں زیادہ ٹائم ویسٹ کیے بغیر آج کا یہ پنڈال، یہ محفل بھری خواتین اور فوٹ آباد کا یہ ایریا اپنی استاذہ فرد ہاشمی صاحبہ کے سپرد کرتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں اچھے سے طریقے بھی بتائیں گی، اور مین مقصد سیرت النبی
مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور اس ادارے کو ہم کیسے آگے لے کے چلیں, آپ بچیوں نے کس طرح سے قرآن سیکھنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ سب کچھ استادہ صاحبہ گائیڈ کریں گی. تو میں اس شفیق ہستی کو دعویٰ دیتی ہوں کہ یہ مجھے بالکل ہی اچھا لگ رہا ہے کہ استاذہ ایک لمحے کے لیے بھی اسٹیج سے نیچے بیٹھے. تو میری گزارش ہے کہ استاذہ صاحبہ اسٹیج پہ آئیں گی انشاءاللہ تعالی, اور عامر صاحب انشاءاللہ تعالی بنات الحسنہ کے بارے میں تھوڑا سا بریف کرتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے کہ استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. پوری کوشش تو ہم نے کی ہے کہ استاذہ کی چاہت کے مطابق ہی ماحول ہو, لیکن یہاں پہ ہمارا بیسیکلی جو علاقہ ہے وہ گاؤں ہے, دیہات ہے. تو آپ بھی اپنی پورا ثبوت دیجئے گا, خاموشی ہو, شور نہ ہو, باتیں نہ ہو. اللہ سے دعا ہے اگر کوئی کمی بیشی ہو تو رب کی رحمت سے وہ رب تعالیٰ پوری کر دے. میرا جی کو بنات الحسنہ کے بارے میں بریف کرتے ہوئے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. اللہ تعالیٰ اس شہر کو قرآن کا شہر بنا دے, اور اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو اپنی برکتوں اور رحمتوں سے بھر دے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا, مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. آج جب میں فوٹا باس آ رہی تھی, راستے میں, ظاہر ہے معمول کا راستہ نہیں ہے, اس راستے نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہنچا دیا. میں راستے میں بات کر رہی تھی ببول کے اس درخت کی جس کے سائے تلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے رکے. آپ نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی. اتنے میں ایک بدو آیا, آپ کی تلوار اس نے ہاتھ میں تھام لی اور کہنے لگا, اب کون آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ. آپ کا کہنا تھا کہ تلوار بدو کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کہتے ہیں کہ اب آپ کو کون مجھ سے بچائے گا. ریلی بہت بڑی رحمت ہے یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کتنی بڑی دولت ہے. ہمارے اسلاف میں سے کسی نے کہا کہ اگر بادشاہوں کو اس بات کا پتہ چل جائے تو ہم سے تلواریں لے کے جنگ کرنے کے لیے آئیں. تو میں سوچ رہی ہوں کہ آج میں ان خوش نصیب ہستیوں سے مل رہی ہوں, اتنے پیارے لوگ جو اپنے رب کے لیے اپنے رسول کی محبت میں گھروں سے نکل کے آئے ہیں. یقیناً آپ کا نکلنا اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں جانے دے گا. سب کا نکلنا ایک مقصد کے لیے ہے. اس جگہ پر ایسا ادارہ تعمیر ہو
ایک ایسا مقام بنے جہاں فوٹ عباس اور ارد گرد کے دیہاتوں کی بچیاں اور دور دراز تک کے علاقوں کے لوگ یہاں قرآن کی روشنی کو لینے کے لیے آئیں۔ میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں شبینہ کو بھی اور آپ کے تمام بورڈ کو بھی جن کی رات دن کی کوششوں کی وجہ سے یہ سلسلہ آگے بڑھا ہے، اور مبارکباد دینا چاہتی ہوں ان گھرانوں کو بھی جو دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر بھی الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کی محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی رحمت سے یہ سب سلسلہ ہونا ممکن ہوا۔ مجھے آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کا واقعہ یاد آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے اور مسجد کو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، مسجد کے لیے موزوں جگہ کی تلاش تھی، جو جگہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نومینیٹڈ تھی، نامزد تھی، اس جگہ کے بارے میں پتہ کیا کہ اس جگہ کی ملکیت کس کے پاس ہے، تو پتہ چلا دو یتیم بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ جس سے اپنے دین کا کام لینا چاہتے ہیں، جس کو موقع دے دیں وہ خوش نصیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیم بچوں کو قیمت دینی چاہی تو انہوں نے لینے سے انکار کیا، اگرچہ انہیں قیمت دے دی گئی لیکن اجر ثبت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی کیا ویلیو ہوگی یہ تو وہ رب جانتا ہے، لیکن آپ سوچیں قیامت تک جو لوگ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، ایک ایک کا سجدہ، ایک ایک کا وہاں اللہ کا ذکر کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے علم حاصل کیا، آگے علم پہنچانے کا جو سلسلہ جاری ہے، اللہ اکبر، کتنا طویل سلسلہ ہے اجر کا۔ دنیا بھر سے مسلمان اس مسجد کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور وہ دو بچے جنہوں نے نیت کی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سبھی ماں باپ کے سائے میں پروان چڑھنے والوں سے سبقت لے گئے۔ ان کا سرمایہ بھی انہیں کے پاس رہا اور اجر بھی انہیں کو نصیب ہوا۔ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ آج ہم سب مل کر اس جگہ کی برکت کے لیے دعا کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ جتنے لوگ یہاں اللہ تعالیٰ کے کلام کی روشنی سے منور ہوں گے، دین کو سیکھیں گے، اور جہاں جہاں تک اس روشنی کو پھیلائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمارا بھی اجر شامل ہوگا۔ اور میں اس ہستی کی زندگی کی طرف آپ کو لے جانا چاہتی ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی سب سے عظیم مرتبہ عطا کیا، اور قیامت کے دن بھی جنہیں مقام محمود پہ فائز کیا جائے گا۔ آج دنیا بھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہے، لیکن مخالفت کم ہے، محبت بہت زیادہ ہے، عقیدت بہت زیادہ ہے۔ دی ہنڈریڈ کے نام سے 100 بڑے لوگوں کے حوالے سے ایک کتاب لکھی گئی، اس کے لکھنے والے عیسائی ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نمبر پر نہیں رکھا،
تاریخ کے 100 بڑے آدمیوں کو جب سلیکٹ کیا، منتخب کیا، تو ان میں نیوٹن کو، کسی سائنسدان کو نمبر 1 پہ نہیں رکھا. جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کام کی وجہ سے، اس کے اثرات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے درجے پر رکھا. ہم انہیں کی امت میں سے ہیں. اور جیسے کسی شاعر نے کہا، وہ جان حیات کونو مکان، وہ روح نجات انسانی، وہ جس کی بلندی کے آگے افلاک ہوئے پانی پانی، ان سے ہی مجھے نسبت ہے مگر کب ان کی حقیقت پہچانی. مجھے یاد آتا ہے وہ عرب مصنف جن کی کتاب جب شائع ہوتی ہے تو پہلا ایڈیشن 1,10,000,000 شائع ہوتا ہے. یعنی دنیا میں ان کی کتابوں سے لوگوں کو اتنی محبت ہے. عریفی اور ان کی کتاب کا ترجمہ اردو میں ہوا پیام سیرت کے نام سے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے سعودیہ میں مختلف سکولوں میں جا کر بچوں سے پوچھنے کا اتفاق ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں، آپ کے لائے ہوئے دین کے بارے میں، تو مجھے پتا چلا آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں جب میں نے سوال کیا تو بچوں نے کندھے اچکا دیے. بچے نہیں پہچانتے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا وہ خواتین کون سی ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت پائی. کہتے ہیں کہ میں نے پھر ان سے فٹ بالرز کے بارے میں بات چیت کرنی شروع کر دی، تو انہوں نے فٹ بالرز کی کامیابیوں کے بارے میں، ان کی پچھلی زندگی کے بارے میں، ان کی کون سی سیریز کیسی تھی، ہر ایک چیز کے بارے میں انہوں نے بات چیت کرنی شروع کر دی. کہتے ہیں تب مجھے سورہ المومنون کی وہ آیت یاد آئی، ام لم یعرفوا رسولہم، کیا وہ اپنے رسول کو جانتے نہیں ہیں، یا وہ ان کے منکر ہو گئے، ان کا انکار کرنے والے ہو گئے. آج ہماری صورتحال کیسی ہے؟ دلوں کے اندر محبت ہے، عقیدت ہے، لیکن ہم اپنے رسول کو نہیں جانتے. ماؤں نے کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا کر بچوں کو سلایا؟ ماؤں نے کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے لوریاں دی ہوں؟ وہ محبت جو ہم پر فرض ہے، جس کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ایمان کی ضرورت نہیں ہے، عین ایمان ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان قبول نہیں ہوتا. تو یہ کیسی محبت ہے؟ بچے سے محبت ہے تو ماں بچے کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، شوہر سے محبت ہے تو شوہر کو جانتی ہے. اگر ہمیں کسی سے بھی محبت ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں اس کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا، ہم ایک دوسرے کے احوال سے کتنا واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں. کہ جب بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مجھے یاد ہے ہم بھاولپور میں، ایک خاتون نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو دکھ سکھ کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا، یعنی مجھے بڑا اچھا فیل ہوا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے ہیں. خوشی اور غموں میں شریک ہونا تو عین اسلام ہے. لیکن میں نے احتیاطاً ان سے پوچھ لیا کہ آپ کیسے دکھ سکھ کرتے ہیں؟ کہنے لگی کہ جب لوگ، کوئی مجھے کہتا ہے یا ہم میں سے کسی کو کوئی بات کہتا ہے
और हमारे दिल को बुरी लगती है तो हमारा दिल भर जाता है। जब तक हम उसे किसी दूसरे से कर नहीं लेते उस वक्त तक हमें चैन नहीं आता। तो जिस वक्त हम एक दूसरे से मिलते हैं, मजलिसें सजाते हैं, और अब जो है वो फ़ोन की वजह से और ज़्यादा सहूलत पैदा हो गई, तो जब भी हमारा दिल घबराता है तो हम एक दूसरे के साथ अपने दुख को शेयर करते हैं, यानी दुख बयान करते हैं। मैंने कहा अच्छा किस तरह से, जैसे किसी की सास ने कुछ कह दिया, किसी सास को उसकी बहू ने कुछ कह दिया, या शरीके बरादरी के लोगों ने कुछ कह दिया, तो हम वो सारी बातें शेयर करते हैं। तो मैंने उनसे कहा आपने अल्लाह की किताब पढ़ी है, तो उसमें आपने पढ़ा है कि गीबत करने वाले के मामले को अल्लाह ताला ने कैसे बयान किया। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो कोई गीबत करता है गोया अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। तो मैंने कहा आप दुख सुख के नाम पर इतना बुरा अमल कर रहे हैं, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि मैं जब आसमानों की सैर करने के लिए गया तो मैं ऐसे लोगों के पास से गुजरा जो अपने गोश्त को तांबे के नाखनों से नोच रहे थे। तो मैंने अपने दो साथियों से पूछा, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ थे, उनसे पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने बताया ये वो लोग हैं जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, एक दूसरे के पीठ पीछे बुरी बातें करते हैं। हाँ, हमारे नबी ने हमें बताया हमारे घरानों की सोसाइटी की इस्लाह के लिए हम क्यों ना उनसे मोहब्बत करें जिन्होंने हमसे नफ़रतें छुड़वा दी, जिन्होंने रिश्तों को मजबूत करने के लिए कैसी तलकीन की, बुल्लू अरहामकुम, अपनी रिश्तेदारियों को तरोताज़ा रखो, जिन्होंने इतनी ज़्यादा तलकीन की हमसायों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कि आप ही ने फरमाया। मुझे लगता है जिब्रील ने जितनी मुझे हमसायों के हुकूक़ की नसीहत की है कि लगता है कि हमसायों को विरासत में हिस्सादार बना दें। हमसाया यानी जो बिल्कुल हम दीवार है, और 40 घरों तक इसका ताल्लुक जारी रहता है। सोचिए हमारी बाहमी मोहब्बत के लिए हमारे रसूल ने कितनी मेहनत की, कैसे अल्लाह ताला का खौफ दिलाया। हुकूक के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिश्तेदारी, अल्लाह ताला ने जिस वक्त रहम को तख्लीक किया तो रिश्तेदारी अल्लाह ताला के अर्श के साथ लटक गई, यानी अल्लाह ताला से फरियाद करने लगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि जो तुम्हें जोड़े मैं उसे जोड़ दूं और जो तुम्हें तोड़े मैं उसे तोड़ दूं। ये रिश्तों की मोहब्बत अल्लाह ताला ने हमें अपने रसूल के ज़रिए से सिखाई, रिश्तेदारियों को निभाना। हम क्यों ना उस रसूल से मोहब्बत करें जिन्होंने हमें जीने का ढंग सिखाया, जिन्होंने हमें बुरे अखलाक से बचाया, जिन्होंने हमें आखरत की तैयारी के लिए किस तरह से रात दिन उसका एहसास दिलाया। अली वसल्लम आए थे, लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे, जीने का हक नहीं देती थी वो सोसाइटी, वो मुआशरा। और आज भी अभी इत्तेफाक की बात है कि मैंने यहाँ बैठे बैठे जब मोबाइल देखा तो एक बच्ची का मैसेज आया हुआ था कि मेरी बहन की 5 बेटियाँ थीं, जब उसके यहाँ 6ठी बेटी पैदा हुई तो उनकी सास ने पूछे बगैर, यानी माँ बेचारी अभी अपनी तकलीफ़ में है तो उससे पूछे बगैर उसकी बेटी उठा के उसकी नंद को दे दी, क्योंकि उसके यहाँ बेटे तो थे बेटी नहीं थी। तो सवाल उसने मुझसे ये किया था कि मेरी बहन को नींद नहीं आती, उसे किसी पल चैन नहीं मिलता, इस्लाम इस बारे में क्या कहता। तो मैं सोचती हूँ कि एक बच्ची, जिंदा बच्ची किसी और की
اور اہل خاندان میں سے کسی اور کے یعنی اس کو دے دی جائے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے تو اس ماں کا کیا حال ہوتا ہوگا جس کی بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہوگا. عربوں کے یہاں بچے کی پیدائش کے موقع پہ چارپائی پہ جس عورت کو لٹاتے تھے اس کے نیچے گڑھا کھود دیا جاتا تھا. بیٹا ہوتا تو اٹھا لیتے, بیٹی ہوتی تو اکثر گھرانوں میں ایسا ہوتا تھا وہیں گڑھے کے اندر بیٹی کو بھیجتے, بیٹی چلی جاتی اور اوپر سے مٹی ڈال دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا سے دو ہی چیزیں تو مجھے محبوب ہیں, عورت اور خوشبو, اور نماز کو تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا. کتنا بڑا مقام ہے. اس دور میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ جسے جانور کے برابر بھی مقام حاصل نہیں ہے, جسے زندہ رہنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے, اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کہیں کہ یہ دنیا میں سے سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے. ایک شخص صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہنے لگا اللہ کے رسول میری ایک بیٹی تھی, میں تجارتی سفروں پر چلا جاتا تھا, پیچھے سے میری بیٹی پیدا ہوئی, میری بیوی نے اسے مجھ سے چھپا لیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں غیرت کھاتا ہوں اور میں بیٹی کو زندہ نہیں رہنے دوں گا. اس نے میری بیٹی کو ہمسایوں کے گھر چھپا دیا اور مجھ سے اس کا تذکرہ نہیں کیا. پھر یوں ہوا کہ جب میں گھر آتا تو میری بیٹی ہمسایوں کے گھر چلی جاتی, جب میں تجارتی سفر پر جاتا تو میری بیٹی گھر واپس آ جاتی. یوں میری بچی کو 3-4 سال کی ہو گئی. میں ہمسایوں کی اس بچی سے قدرتی طور پر بہت محبت کرتا تھا اور میری بیوی دھوکہ کھا گئی. ایک دن اس نے مجھے بتا دیا کہ جس سے آپ اتنی محبت کرتے ہو تو آپ کی اپنی بیٹی ہے. بس پھر کیا تھا, میرے سینے پہ سانپ لوٹنے لگے اور میں اس انتظار میں تھا کہ کب کس وقت میں اس سے جان چھڑاؤں. ایک دن میں نے اسے موقع پا کر اپنی انگلی سے لگایا اور جنگل کی طرف چل دیا. عین جنگل کے بیچوں بیچ جا کے میں نے گڑھا کھودا. میں جب گڑھا کھود رہا تھا تو میری بیٹی پتھر اور مٹی اپنے ننھے منے ہاتھوں سے ہٹا رہی, وہ تو اپنے باپ کی مدد کر رہی, نہیں جانتی تھی کہ جہاں سے یہ پتھر اور مٹی ہٹائے جا رہے ہیں وہیں پہ اس کی قبر بننے والی. مردے تو قبر میں دفن ہوتے ہیں لیکن زندہ انسان, زندہ بیٹیاں ایسے قبر میں دفن کی جاتی تھیں. اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے جب گڑھا کھود لیا تو اپنی بیٹی کو اس گڑھے کے اندر بٹھا دیا, پھر میں نے اوپر سے مٹی ڈالنی شروع کی, وہ ابا ابا پکارتی رہی اور میں اس پہ مٹی ڈالتا رہا حتیٰ کہ اس کی آواز آنی بند ہو گئی. صحابہ کرام نے جب دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. اب صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روتے رہے کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی, آپ کا سینہ بھیگ گیا. صحابہ کرام نے کہا اے شخص تو نے اللہ کے رسول کو غمزدہ کر دیا. آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو, اس کو موقع دو, یہ دوبارہ پھر کہے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے. آپ نے اسے کہا پھر سناؤ, اس نے پھر سنایا, آپ پھر روتے رہے. آپ کا یہ رونا, آپ کا آنسو بہانا ایک کمزور انسان کا رونا نہیں تھا, ہمدرد رحیم اور شفیق انسان کا رونا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس موقع پہ برداشت کیا ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کیا. میں اس وقت بھی سٹیج سے جب ارد گرد کا ماحول دیکھ رہی ہوں تو مجھے وہی ماحول یاد آتا ہے, یہاں تو پھر سبزہ ہے,
लेकिन जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अपने रब की तरफ बुलाया था वो तो सहरा था, पहाड़ी इलाका था, पहाड़ और रेत। हाँ, उन्हीं पहाड़ों के साए और उन्हीं टीलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अपने रब की तरफ बुलाया था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के 3 बेटियां हों और वो उनकी अच्छी परवरिश करे, उनकी अच्छी तरबियत करे, फिर उनका निकाह कर दे, वो बेटियां उसके लिए दोजख से आड़ बन जाएंगी। किसी सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, अगर किसी की 2 बेटियां हो, आपने फरमाया 2 के लिए भी यही है। रावी हदीस कहते हैं कि अगर कोई ये सवाल करता कि किसी की 1 बेटी हो तो उसका भी यही जवाब होता, लेकिन किसी ने ये सवाल नहीं किया। इससे हमें ये पता चलता है कि बेटी को जहमत की बजाय रहमत बनाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना बड़ा किरदार। ये तब्दीली अचानक नहीं आ जाती, ये तब्दीली बहुत दिलसोजी के साथ और बहुत ज़्यादा इंसानों से मोहब्बत और हमदर्दी के साथ आती है। मुझे याद आता है वो वक्त जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माशरे के हालात को देखकर गारे हिरा जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाके क्या करते थे, ये मेरी ज़िंदगी में हमेशा बहुत बड़ा सवाल रहा मेरे लिए। अल्लाह ताला के फजलो करम से उसका जवाब खुद हदीस की किताब से भी मिलता है, मुहद्दिसीन ने भी इस पर बात की है, जवाब भी मिला, लेकिन फिर भी खोज जारी रहती है, क्योंकि इन आँखों ने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जितना शुक्र अदा करें कम है, कि इन आँखों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ा है, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश की है, उस रब ने तौफीक दी है। आप सभी मैं ये कहना चाहती हूँ, अपनी आँखों से अपने रसूल के बारे में पढ़ें, अपने कानों से सुने, अपने रसूल की तालीमात को पढ़ें, उन तालीमात को आम करें, अपने घरानों में अपने बच्चों को सिखाएं। बड़े लोग आपस में बैठे एक दूसरे के साथ तज़किरा करें, अब देखेंगे आपकी ज़िंदगियां खैर और बरकत से भर जाएंगी, आपके मसाइल आपकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। हमारे असलाफ जब कभी किसी मुसीबत में मुब्तला होते थे, जैसे हमारे यहाँ ये पेंडेमिक, ये वबा आई, तो वबा के आने के बाद अल्लाह ताला से लोगों ने दुआएं की, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। इसी तरह से जब लोगों पर कोई मुसीबतें आती थी, तो हमारे असलाफ हदीस की सही किताब सही बुखारी को पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। एक नहीं, ऐसी सैकड़ों रिवायात मिलती हैं जिनसे ये पता चलता है कि अभी लोग बुखारी को कंप्लीट भी नहीं करते थे तो अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हो जाती थी और मुश्किलात दूर हो जाती थी। क्या आप नहीं जानते? ज़रूर जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजे, अल्लाह ताला उस पर 10 बार रहमतें नाजिल करता है। ये रहमत कोई छोटी चीज़ नहीं है। जब हम ये कहते हैं ये कुरान अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला ने अपनी किताब में फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, वसी रहमत वाले ने कुरान की तालीम दी है, तो ये एक रहमत है जिसका सिलसिला मुसलसल जारी है, कयामत तक जारी रहेगा। और ये कुरान समंदर है, इस समंदर से लोग अपनी अपनी हिम्मत और इस्तेदात के मुताबिक नफ़ा हासिल करते रहते हैं, लेकिन इसका नफ़ा कभी ख़त्म होने वाला नहीं, तो ये एक रहमत है। तो जिस नबी पर दुरूद भेजने का इतना बड़ा अजर है कि अल्लाह ताला 10 बार रहमतें नाजिल करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
سب سے زیادہ مصیبتیں بلائیں آزمائشیں انبیاء پر آئیں, پھر ان لوگوں پر آئیں جو ان کے قریب تھے, پھر ان لوگوں پر جو ان کے بعد آنے والے تھے. مخالفت سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. مخالفتوں سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. مخالفت بتاتی ہے کہ آپ زندہ ہیں, الحمدللہ. اس لیے اس بارے میں پریشان نہیں ہونا. ہاں, اپنے علم کو پختہ کرنا ہے, نیت کو خالص کرنا ہے, اور اپنے نبی کی طرح ہر دم, وہ جیسے اقبال نے کہا نا, پلٹنا جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, یہ سلسلہ جاری رکھنا. جو روشنی ہرا سے پھوٹی تھی, اللہ تعالیٰ کی وحی جب نازل ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس وحی کو قبول کیا تو آپ کا دل بہت گھبرایا ہوا تھا. آپ جب اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہا زمیلونی زمیلونی, مجھے کچھ اڑھا دو, مجھے کچھ اڑھا دو, تو سیدہ خدیجہ نے آپ پر چادر ڈال دی, اٹھے تو آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی, مجھے میری جان کا ڈر ہے. اس موقع پر سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی, کلا واللہ ما یخزی کلہ ابدا, ہرگز نہیں, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. گھبراہٹ کی وجہ سے جو اس راستے پہ چلتا ہے, شیطان کا ایک کام ہے, وہ گھبراہٹ ضرور ڈالتا ہے. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم, بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. میں اپنی حیات میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, کہا, جو آپ کے ساتھ پیش آیا, جس صورتحال میں ہوتے ہیں اپنا جائزہ ضرور لیتے ہیں. مشکلات میں ہیں تو دیکھنا ضرور چاہیے صلہ رحمی کتنی کرتے ہیں, رشتہ داریوں کا تحفظ کتنا کرتے ہیں. اگر آپ رشتوں کو نہیں توڑتے تو اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے. اگر آپ حضرت خدیجہ کی بات کے حوالے سے دیکھیں کہ سیدہ خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, تو اگر آپ رسول اللہ کی سنت کو فالو کرتے ہیں, اگر آپ مہمان نواز ہیں, تو اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اور سیدہ خدیجہ نے کہا کہ آپ درماندوں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو, بے سہارا لوگوں کو کما کر دیتے ہیں. زندگی کا جائزہ لیں. اگر آپ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں, بے سہارا لوگوں کے لیے آپ سہارا بن رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اور سیدہ خدیجہ نے کہا تھا کہ آپ حق کے معاملے میں جو لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں. جو انسان بلا تفریق کسی طرح کی فرقہ بندی کے, جو انسان کسی معاملے میں آزمائے جاتے ہیں, مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں, اگر آپ ان کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد پر ضرور آئے گا انشاءاللہ. یہ سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی تھی. اس موقع پر وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے گئیں, اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا انتظار لگ گیا, لیکن وحی آتی نہیں تھی. کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی تو آپ کی چچی, دو بیٹیوں کی ساس اور آپ کی ہمسائی ام جمیل ابو لہب کی بیوی آپ سے کہتی تھی, محمد لگتا ہے تمہیں تمہارے شیطان نے چھوڑ دیا, نعوذ باللہ. اب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری وحی آئی تو پھر وحی کا سلسلہ گرم ہو گیا, اور یہ سلسلہ جاری ہے. وہ وحی جو قرآن مجید کی صورت میں محفوظ ہے, آج اس قرآن نے آپ کے در پر بھی دستک دی ہے. آگے بڑھیں, استقبال کریں. اللہ کا شکر ہے
सहराओं में जो फूल उगने लगे हैं और सहराओं में जो शमा रोशन होने लगी है, आगे बढ़कर मावन और मददगार बन जाए। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो और इस रिश्ते को बहुत बरकत वाला कर दे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस्लाम की इन बेटियों को तौफीक दे कि अपनी हयात इस मकसद के लिए लगाएं और आइंदा नस्लों को तैयार करें और यह सिलसिला हमेशा हमेशा जारी और सारी रहे। मैं आप सब के लिए भी दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आपको भी अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल कर ले। तो आइए अल्लाह के हुजूर दुआ कर लेते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा वसुभानल्लाहि बुकरतं व असीला सुभानल्लाहि व बिहम्दिहि सुभानल्लाहिल अज़ीम सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك يا حي या कय्यूम बिरहमती का नस्तगीस। ए जिंदा रहने वाले, ए कायम रहने वाले, हम सब तुझसे तेरी रहमत की फरियाद करती हैं। या अरहमर रहीमीन, हमारी खताओं गलतियों को मुआफ़ कर दीजिए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दीजिए। और इलाही हमारे जो प्यारे आपके पास पहुंच गए, ए पाक परवरदिगार, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दीजिए। इलाही हमारे जितने प्यारे आपके पास हैं, इलाही उन्हें अपने पास अच्छे मेहमान की सूरत रखिए। इलाही आपसे इस्तिदा है, उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाइए। और इलाही हमें हमारे प्यारों के साथ जन्नत में हमें इकट्ठा कर दीजिए, हमें आपस में मिला दीजिए। या अरहमर रहीमीन, आपसे इस्तिदा है, जितने लोगों के हाथ दुआ के लिए उठे हैं, इनके दिलों में दुआएं हैं, तमन्नाएं हैं, आप जानते हैं, मैं नहीं जानती। इलाही सबकी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। इलाही आपसे इस्तेदा है, या अरहमर रहीमीन, ए पाक परवरदिगार, सब बीमारों को शिफा अता फरमाइए, सब बे औलादों को औलाद नसीब फरमाइए, बेरोज़गारों को रोज़गार नसीब फरमाइए, हलाल रिस्क में कशाइश और वसत अता फरमाइए। या अरहमर रहीमीन, आपसे इस्तिदा है, जितने हाथ दुआ के लिए उठे हैं, इलाही इन हाथों में कुरान थमा दीजिए, इलाही तौफीक अता फरमा दीजिए। इलाही जितने हाथ उठे हैं, इन हाथों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपकी अहादीस को थामने, पकड़ने, उन्हें पढ़ने, उन्हें समझने की तौफीक अता फरमा दीजिए। इलाही कुरान और हदीस के इल्म को हमारे सीनों के अंदर रासिख फरमा दीजिए। इलाही इल्म को पुख्ता करने की तौफीक अता फरमाइए। इलाही जो इल्म आप हमें अता फरमाएं, इलाही उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं।
यार हमर रहीमीन, आज की मजलिस में जितने लोग शरीक हुए इलाही, अपने ख़ास फजलो करम से, अपनी रहमत से इलाही, किसी से भी आपकी नाराज़गी इलाही सबको माफ़ कर दीजिए। इलाही आपसे इस्तेदा है, जिन बच्चों और बच्चियों के रिश्तों के मसाइल हैं उनके ये मसाइल हल फरमा दीजिए। इलाही जिन्हें अपने बच्चों की तरफ से कोई तकलीफ़ पहुँची है, इलाही माँ बाप की आँखों को अपने बच्चों की वजह से ठंडा कर दीजिए। और इलाही हमें इस दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाइए, और इलाही इस मुल्क से इस वबा का खात्मा कर दीजिए। यार हमर रहीमीन आपसे इस्तेदा है इलाही, जिस मकसद के लिए ये इदारा कायम किया गया, ए पाक परवरदिगार नेक बेटियाँ नेक माएँ तैयार करने की तौफीक अता फरमाइए। इलाही इन बनात को कबूल फरमा लीजिए, और इलाही बनातुल हुस्ना को अपने दीन की खिदमत के लिए इलाही तौफीक अता फरमाइए। ए पाक परवरदिगार इस जगह को बरकत वाला बना दीजिए, और इलाही जिन लोगों ने रात दिन कोशिशें और मेहनतें की हैं, इलाही उनकी कोशिशों को मेहनतों को कबूल फरमा लीजिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरी खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही व अहली बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन इलाही आमीन इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं अपने रब तआला के बाद अपनी नहायत ही मेहरबान और शफीक उस्तादा साहिबन की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। जितने भी दो तीन हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कुछ सीनियर स्टाफ, ख़ासकर जो सियालकोट से तशरीफ़ लाई हैं, मैं चाहूँगी कि उस्तादा साहिबा उनको बेहतरीन कारकर्दगी का रिवॉर्ड अपने हाथ से अता फरमाएं। मैं अपने रब तआला से उस्तादा के लिए चंद इंतहाई पूरी खशु रुख के साथ गुजारिशात करना चाहती हूँ। इलाही हमारे ऐसे असातजा का साया शफकत हमारे सरों पे तदीर कायम रहे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब का आना कबूल मंजूर फरमाए, और मुझे अपने रब ताला पे बहुत यकीन है कि हमारे उस्तादा साहिबा की 10 साल की ये जो मेहनत और उनकी तरबियत जो है इंशाल्लाह, और उनकी आज फोटाबाज की सरजमीन पे कदम मुबारक भरपूर बरकत का बायस बनेंगी इंशाल्लाह ताला। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और स्टाफ मेंबरान, सियालकोट के स्टाफ सारे जो हैं स्टेज के करीब आ जाएं। छोटे ब्रो पीछे अभी ये स्वागत छोड़ना डिवाइड करे, कोई बंदा रहा है कि ना पॉइंट।